हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल टुडे आवर टॉपिक इज़ पैरासिटिक अडाप्टेज़ इन प्लाइट हेलमेंथस तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी जनरल करेक्टरस्टिक्स ऑफ प्लाइट हेलमेंथस तो उसमें हमने देखा था कि 80 परसेंट जो होते हैं मोस्ट पैरासाइट्स होते हैं और कुछ होते हैं फ्री लिविंग तो हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा कि हम देखेंगे इसमें कौन कौन से अडाप्टेशन होते हैं जो इसको बनाते हैं पैरासाइट बनाते हैं तो पहले हम देखते हैं कि जो प्लेटी हेलमेंट जो है इसके कितने क्लास होते हैं तो यहाँ पे इसके तीन क्लास होते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर टर्बलेरिया ट्रेमेटोडा सिस्टोडा तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है जैसे कि टर्बले का एग्ज़ाम्पल है डूजेसिया जिसको हम प्लेनेरिया भी कहते हैं ये मोस्टली होते हैं फ्री लिविंग फ्लैट वर्मस दूसरा जो है ट्रेमेटोडा इसके एग्ज़ाम्पल्स है फैशूला सिस्टोमा और फेशलॉज जो होता है इसको हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं और ये होते हैं जो ट्रीमाटोडा के अंदर आते हैं पैरासाइटिस इनको हम कहते हैं एक्टो या एंडो पैरासाइट्स होते हैं और तीसरा जो है वो है सिस्टोडा इसके एग्जाम्पल जो है वो टीनिया है इकाइनोकोकस है टीनिया दो किस्म के होते हैं एक को बोलते हैं टीनिया सोलियम या उसको कॉमनली बोलते हैं पॉर्क टैपो जैसा होता है टीनिया सजिनेटा इसको बोलते हैं बीफ टेपो इकाइनोकोकस को हम बोलते हैं डॉग टैप अब हम देखेंगे ये डेफिनेशन क्या है पैरासाइट का मतलब क्या है होस्ट का मतलब क्या है और पैरासाइटम मतलब क्या है इसका तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी में रहते हैं या तो होस्ट की बॉडी के अंदर रह सकते हैं या तो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं और वहाँ से इन्हें न्यूट्रिशन मिल जाता है और शेल्टर भी मिल जाता है होस्ट की बॉडी के अंदर तो इन्हीं को बोलते हैं पैरासाइट्स दूसरा होता है होस्ट तो होस्ट वो होता है जो शेल्टर प्रोवाइड करता है पैरासाइट्स को जिसके अंदर या जिसके ऊपर या जिसके अंदर पैरासाइट्स रहते हैं उसको बोलते हैं होस्ट और तो तीसरा जो है यहाँ पे दैट इज़ अ पैरासाइटिज़म तो इज़ अ एसोसिएशन इन विच द पैरासाइट डिरावज बेनिफिट एंड द होस्ट गेट्स नथिंग इन रिटर्न बट ऑलवेज सफ़र फ्रॉम इंजरी तो एक एसोसिएशन होता है एक यूनियन होता है बिटवीन द पैरासाइट एंड द होस्ट जिसके अंदर पैरासाइट जो होते हैं वो डिराइव करते बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ न्यूरिशमेंट इन द ऑफ शेल्टर मगर जो होस्ट होता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है रिटर्न के अंदर उसे यही मिलता है उसे इंजरी हो जाती है हावर स्लाइटली द इंजरी मे बी द होस्ट एट द सेम टाइम ऑफ और सम रेजिस्टेंस टू द इंजरी डन बाई द पैरासाइट एंड देर मे बी एडॉप्टेशन टॉलरेंस बिटवीन द पैरासाइट एंड द होस्ट ए पैरासाइट हैज़ लॉस इज़ पावर ऑफ़ इनडिपेंडेंट लाइफ तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जब पैरासाइट्स इफ़ेक्ट करते हैं होस्ट को तो होस्ट के पास भी कुछ एडाप्टेस होते हैं जिसकी वजह से वो बर्दाश्त कर लेता है यहाँ इसकी इंजरी कम हो जाती है तो एक और पॉइंट यहाँ पे है कि जो पैरासाइट्स होते हैं दे हैज लॉस इज़ पावर ऑफ़ इन्डिपेंडेंट लाइफ ये अकेले नहीं रह सकते ये डिपेंड करते हैं होश के ऊपर तो होश से बॉडी से निकालेंगे बाहर तो ये मर जाएंगे तो उन्हें रहना ही है होश की बॉडी के अंदर फ़ॉर फूड के लिए फ़ॉर द शेल्टर के लिए इन्हें रहना है ये होस्ट के अंदर परमानेंट पैरासाइट्स परमानेंट पैरासाइट्स इज़ दैट ऑर्गनिज्म वी स्पेंड इज लाइफ साइकिल एज ए पैरासाइट तो परमानेंट पैरासाइट्स वो होते हैं जो पूरी ज़िंदगी अपनी स्पेंड करते हैं पैरासाइट वो पैरासाइट ही होते हैं पूरी ज़िंदगी के अंदर और ये जो परमनेंट पैरसाइट्स होते हैं ये दोस्म के होते हैं एक्टो पैरासाइट्स होते हैं और इंडो पैरसाइट्स होते हैं और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं उनके पास दोनों पैरासाइट्स होते हैं एक्टो भी होते हैं और इंडो पैरासाइट्स भी होते हैं एक्टो का मतलब होता है जो बाहर से रहते हैं बॉडी के ऊपर रहते हैं ऑन सर्फेस के ऊपर रहते हैं और इंडो का मतलब होता है जो बॉडी के अंदर रहते हैं एक्टो पैरासाइट्स और एक्सटर्नल पैरासाइट्स पैरासाइड्स इनक्लूज दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड डिराइव दियर नरिशमेंट फ्राम इट ये वो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी से बाहर रहते हैं और वहाँ से नरिशमेंट एबज़ॉर्व करते हैं फ्रॉम द होस्ट से एक्टोपैरासाइट्स की बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं जैसे कि ह्यूमन की बॉडी के ऊपर होते हैं लाइस होता है या कभी कभी लीच लग जाते हैं तो ये बॉडी के ऊपर नरिशमेंट एबज़र्व कर लेते हैं तो उनको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स या एक्सटर्नल पैरासाइट्स दूसरे होते हैं इंडोपैरासाइट्स जिनको हम एक नाम ही बोलते हैं इंटरनल पैरासाइट्स ये वो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के इनसाइड रहते हैं एंड डिपेंड ऑन इट फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ और हर एक एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं होश के अंदर यानी कि वहाँ पर न्यूट्रिशन भी करते हैं रेस्पायरेशन भी करते हैं यानी कि इनका जो सब कुछ जो प्रोसेस होते हैं वो होस्ट की बॉडी के अंदर ही होते हैं इसलिए इनको हम कहते हैं इंडोपैरासाइट्स जैसा लाइक like द ह्यूम बॉडी के अंदर होते हैं एस्केर्स होता है तो एस्केर्स हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं वह वहाँ पर एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन करते हैं रेस्पायरेशन भी कर लेते हैं इनको हम कहते हैं इंडोपैरासाइट्स और यहाँ पे मोस्ट हम पढ़ेंगे इंडो पैरसाइडस टीना के बारे में पढ़ेंगे हम या लिवर फ्लू के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे इंडोपैरासाइड्स होते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं पैरासटिकडाप्टन ऑफ फ्लैट वर्म्स इट इज़ द फिटनेस ऑफ एन आर्गनिज्म टू इट्स इन्वामेंट इट इज़ द करेक्टरिस्टिक विच रिज़ल्ट सूटेबल एंड कन्वीनियंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल कोरलेशन बिटवीन एन ऑर्गनिज्म एंड इट्स इन्वामेंट देखो यहाँ पे एडोपटेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी में एक चेंज आ जाती है जिसकी वजह से वो बेटर सूटेबल हो जाता है अडाप्ट हो जाता है टू द होस्ट के साथ या टू द इन्वायरमेंट के साथ तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है बिटवीन द होस्ट एंड द पैरासाइट तो ये रिलेशन हो सकते हैं एडोपटेश हो सकते हैं दो किस्म के हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है पैरासिटिक अडाप्टेस पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स ट्रेमेटोर एंड सिस्टोर्स है जो पेरास्टिक फॉर्म्स होते हैं मोस्ट ट्रेमेटोडा और सिसटोडा के क्लास के होते हैं मोस्ट अगर हम देखेंगे ट्रेमेटोडा में फैशला आता है और सस्टोडा में आता है टीनिया ये कैन कोकस आता है वहाँ पर इनके पास सूटेबल अडापटेशन होते हैं जिसकी वजह से ये एडजस्ट हो जाते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर तीस एडाप्टशन टर्म पैरस्टिक अडोप्टेन इन सच केसेस आर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज फिजोलॉजिकल तो ये अडोप्टेसन जो होते हैं जो ये चेंज आ जाते हैं इन फ्लैट वर्म्स के अंदर ये दो किस्म के होते हैं मॉर्फोलॉजिकल के होते हैं एज वेल वैल फिजोलॉजिकल जिन जिनकी वजह से एडजस्ट हो जाता है विद द होस्ट बॉडी के साथ चलो आप स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉज अडोप्टे से सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी कवरिंग देखो इनकी बॉडी कवरिंग जो होती है वो मोस्टली होते हैं थिक टेगोमेंट का होता है वो और वो प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू द डैश टू एंड एंटी टॉक्जीनस ऑफ बॉडी होस्ट क्योंकि होस्ट की बॉडी जो होती है ना वो सक्रिय कर लेती है एंजाइम्स और टॉक्जीस सक्रीट कर लेती है वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं पैरसाइड क्योंकि इसके ऊपर कवरिंग होती है टैगूमेंट की जिसकी वजह से एजाइम्स कुछ भी नहीं डैश नहीं कर पाते इस पैरासाइड को या टॉक्जीस जो होते है, वो उस पर कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि इसकी पार्ट टैगूमेंट होता है तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर रखोगे आप बॉडी कवरिंग इज मेड अप ऑफ थिक टेगोमेंट तो दूसरा है ऑर्गन ऑफ़ एडिशन देखो जो ये पैरासाइट्स होते हैं होस्ट के बॉडी के अंदर होते हैं तो इनको जरूरी जरूरी होता है कि चिपक जाए होस्ट की बॉडी के साथ तो इन्हें एक ग्रिप मिल जाए फर्म ग्रिप मिल जाए फॉर द एडिशन के लिए चिपक जाने के लिए तो इनके पास होते हैं सकर्स होते हैं हुक्स होते हैं और स्पाइनस होते हैं तीन होते हैं ऑर्गनज ऑफ़ एडिशन के लिए जिसकी वजह से चिपक जाते हैं होस्ट बॉडी के अंदर सकर्स डेम सेल मे बी मे बी विथ और विदाउट हुक्स एंड स्पाइनस कभी कभी क्या होता है सकर्स हुक्स के बगैर भी होते हैं या सिफाइनस के बग़ैर भी हो सकते हैं और लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी हुक्स के बारे में और सक्करस के बारे में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू तो आप देख लीजिए पहले तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा तो यहाँ पर डायग्राम के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टैप वर्म है तो हुक्स भी इसके पास और सक्करज भी इसके पास है तो यहाँ पर इसका हेड है यहाँ पर तो नेक के ऊपर यहाँ पर सक्कर गोल गोल जैसे उसके ऊपर वहाँ पर प्रेजेंट है रोस्टला के पास दैट इज़ द फोकस प्रेजेंट है यहाँ पे तो उसकी बॉडी में यहाँ पे आप सेगमेंट्स भी देख सकते हैं उनको बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स तो ये फॉल सेगमेंट्स होते हैं नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन देखो ये पैरासाइट्स उस जगह पर रहते हैं होस्ट बॉडी के अंदर जहाँ पर खाना बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होता है तो इन्हें चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि खाना वहाँ पर अवेलेबल होता है इसलिए इनके पास लोकोमोटिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं जिनकी वजह से चल सके वो नहीं होते मगर कुछ लारवास होते हैं कुछ फ्री लिविंग पैरासटिक फॉर्म्स लारवा होते हैं जैसे कि मेरासिडम होता है तो आपके सामने यहाँ पे डायग्राम के नीचे है इसके पास सिलियास होते हैं जिसकी वजह से लोकोमोशन दिखाता है या ऊपर की डायग्राम आप देख सकते हो वहाँ पे टेल प्रेजेंट है ये सरकेरिया है लारवा यहाँ पे इनके पास टेल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से लोकोमोशन दिखाते हैं अब देखते हैं ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटस कंप्राइज़ रेडली अवेलेबल डाइजस्टेड एंड सीमी डाइजस्टेड फूड ऑफ द होस्ट दो यहाँ पे जो पैरसाइट्स जहाँ पे रहते हैं होस्ट बॉडी के अंदर तो वहाँ पे अवेलेबल होता है इसका खाना जो अवेलेबल होता है डाइजस्ट और सीमी डाइस्टेड फूड ऑफ द होस्ट अवेलेबल होता है इसके पास एलाउ ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन और दस्त नॉन इस चीज़ के पास जो ये पैरासाइट्स होते हैं इनके पास डायजस्ट ऑर्गन नहीं होते इसलिए नहीं होते क्योंकि डायजस्ट और सीमी डाइज फूड जो होता है ऑफ़ द होस्ट का वो डायरेक्टली हो जाता है एबजॉर्व थ्रो बॉडी सरफेस से ट्रिमाटोडस इनकम्प्लीट घट एंड इन मोस्ट केसेज इट्स सेक्टोरियल फरिक्स फॉर सकिंग वकिंग फूड देखो यहाँ पे क्या है ट्रेमेटोड जो होते हैं इनके पास एक ही ओपनिंग होती है जहाँ से खाना लेते हैं और वहाँ से वेस्ट को बाहर छोड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट गट होता है और कुछ ऐसे स्पेशज होते हैं ऐसे केस होते हैं जहाँ पर सेक्टोरियल फरैक्स जो होता है जिसकी वजह से खाने को सक कर लेते हैं एब्जॉर्व कर लेते हैं फ्राम द होस्ट की बॉडी से जो ये ट्री में होते हैं तो इनके पास इनकम्प्लीट घट होता है और जो दूसरे होते हैं सिस्टोड्स ये जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं ये बात करते हैं इन द डैस फूड के अंदर ऑफ होस्ट तो वहीं से इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं डायरेक्टली अब देखते हैं फिजोलॉजिकल एडोपटेशनस नंबर वन जो है वह है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पैरासाइट्स लिविंग इन एलिमेंट्री हैव टू कनाल हैल्स तो फ्राम द एक्शन ऑफ डेस्ट जूस ऑफ होस्ट देखो जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं स्टोमक के अंदर रहते हैं इंटस्टैन के अंदर रहते हैं और वहाँ पर डैस जूस होते हैं होस्ट के उनसे बचने के लिए ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है वहाँ पर कुछ प्रोसेस होते हैं वहाँ पर जिसकी वजह से अपने आप को बचाता है जैसे कि नंबर वन जो यहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर इसका म्यूकस लग जाता है यहाँ पर जिसकी वजह से बच जाता है फ्राम द जूस से फ्राम द डैश जूस ऑफ द होस्ट से दूसरा यहाँ पे है कि इसकी बॉडी से निकलते हैं एंटी इन्जाइम्स निकलते हैं जो न्यूट्रलाइज़ करते हैं डैश टू इन्जाइम्स ऑफ द होस्ट का क्योंकि जो होस्ट होता है उसके डैश जूस बहुत सारे स्ट्रॉग होते हैं गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो इसको डैश भी कर सकते हैं मगर उसके अपोज रिसक्रियट कर लेता है एंटी इंजाइम जिसकी वजह से बच जाता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ द इन्ज़ैम से और तीसरा जो है वो है कंटिन्यू रिन्यूइंग देयर प्रोटेक्ट बॉडी कवरिंग दैट इज़ टेगोमेंट्री क्योंकि डेगोमेंट्री जो होता है वो थिक एक लेयर होता है बॉडी के ऊपर जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम द ड जूस से अब नेक्स्ट जो है वो है एन एरोबिक रेस्पायरेशन देखो जो पैरासाइड जहाँ पे रहते हैं ये घाट के अंदर रहते हैं या बाल डक्ट्स के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगा इसे इसलिए रेस्पायरेशन जो कर लेता है विदाउट ऑक्सीजन कर लेता है दैट इज़ द एन एरोबिक रेस्पायरेशन और एन एरोबिक के लिए यह ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन को जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिल जाती है वहाँ पर अब यहाँ पे पैरासटीडॉटिज खत्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़ाइलम एस की हेलमेंट्स या